हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौहरली में। आज मैं आप लोगों को इस बैग के डिज़ाइन को कटिंग किस तरह से करेंगे और इसमें कौन कौन सी चीज़ कितने साइज की लगेगी वो बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस मेहनत के बदले में आप लोगों से सिर्फ एक लाइक की रिक्वेस्ट मैं करता हूं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ कितने साइज़ की लगेगी। तो सबसे पहले ये हमारा पल्ला है, तो हमारा बैग पल्ले का साइज़ है 19.5x14। उसके बाद ये हमारा चैम्बर का चनपट्टी है, इसका साइज़ है 32.5 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। और ये हमारा चैम्बर का साइड है, इसका साइज़ है 28 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा। ये हमारा साइड है, ऐसा हम दो पीस लेंगे। इसका साइज़ है 8.5x7इंच, 8.5x7इंच का ये हम दो पीस लेंगे। उसके बाद हम बोतल रखने वाला लेंगे, ये हमारा नेट है, इसका साइज़ है 10x7.5इंच और इसमें हम एक नीचे पट्टी लगाएंगे, इसका साइज़ है 3 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा। ये हमारा मेन वाला चनपट्टी है, इसका साइज़ इस जगह पे है 3.5 इंच और बीच में 4 इंच है। और अगर हम इसका बाहर बाहर नापी करते हैं इस तरह से पूरा, तो इसका साइज़ होगा 34.5 इंच और अंदर से इस जगह से नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 31 इंच। ये हमारा ये वाला हो गया मेन चनपट्टी। अब हम ये वाला लेंगे तो इसका जो साइज़ है इस जगह पर 2.5 इंच और इस जगह पर 3 इंच होगा। और अगर हम बार बार नापी करेंगे तो 31 इंच और अंदर से भी ये 31 इंच का ही होगा। उसके बाद हम ये वाला लेंगे, इसके लिए हम जो कपड़ा लेंगे उसका साइज़ इस जगह पर होगा 2 इंच और बीच में 2.5 इंच होगा। ये इस तरह का रहेगा, इसको अगर हम बार बार नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 33.5 इंच और अंदर से भी 33.5 इंच ही होगा। और अगर इसे हम इस तरह से नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 29.5 इंच और इसे इस तरह से नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 29 इंच और इसे इस तरह से नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 33 इंच। तो अगर आपको नहीं पता कि हम ऐसा किस तरह से काटेंगे तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद हम इसका नीचे का तली लेंगे, इसका साइज़ होगा 13x7.5 इंच और फिर हम ये वाला लेंगे, ये जो है हमारा, हम ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे। इसके लिए हम कपड़ा लेंगे 16x7.5 इंच का और फिर ये जो हमारा पकड़ने वाला है हैंडल, हम इसे लेंगे। इसके लिए हम कपड़ा लेंगे 2 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा। ये इसके नीचे जो अस्तर लगा हुआ है इसके लिए हम लेंगे, इसके लिए हम नेट लेंगे, इसका साइज़ होगा 9.5 इंच, 9.5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा। उसके बाद हम पट्टा लेंगे, पट्टा का लंबाई होगा 18 इंच और चौड़ाई 3 इंच। इस तरह का एस पट्टा हम किस तरह से काटेंगे अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। इसका जो नीचे का हिस्सा है हम इसे किस तरह से काटेंगे चलिए वो देखते हैं। तो इसे कटिंग करने के लिए ये जो हमारा 16x7.5 इंच का कपड़ा है हम उसे ले लेंगे और हम इसे इस तरह से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कैसे कटिंग करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसे हम इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और नापी करेंगे 2 इंच। 2 इंच का नापी करने के बाद हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस तरह से नापी करेंगे 2.25 इंच। ये हो गया, अब हम इसे इस तरह का काटेंगे। ये हमारा एक छोटा सा राउंड है, हम इसे एक छोटा सा यहाँ हम छोटा राउंड करके काटेंगे। ये हमारा कट चुका है, इसे जो हमने कटिंग किया है ये हमारा इस जगह पे लगेगा, ये है यहाँ से। ये हमारा इस जगह पे लगेगा। उसके बाद अब जो हम निकालेंगे वो ये वाला होगा, उसके लिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम नापी करेंगे 4 इंच पर, 4 इंच पर नापी करके हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और हम इस तरफ से करीब 2 सूता जितना हम ले लेंगे। उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम बड़ा राउंड रखेंगे। यह हमारा वेस्ट है, इसे हम फेंक देंगे। अब यह हो गया हमारा नीचे का कटिंग कंप्लीट। उसके बाद ये जो हमारा हैंडल लगा हुआ है यहाँ जो कटिंग है हम इसे करेंगे। इसके लिए
जो हमारा मेन चटपट्टी है हम उसे ले लेंगे। हम इसे इस तरह से बराबर रखेंगे, एक सेंटर के निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम नापी करेंगे 3 इंच 2 सूता पर। ये जो हमारा बीच का निशान है यहाँ से हम इस तरफ 3 इंच 2 सूता करेंगे। इस तरह से हम कर लेंगे 3 इंच 2 सूता। उसके बाद हम इसे बराबर करेंगे। इस तरफ हमारा 3 इंच 2 सूता का एक हल्का सा निशान लगा लेंगे। उसके बाद नीचे भी हम देखेंगे 3 इंच 3 इंच 2 सूता। उसके बाद हम इधर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को हम पूरा मिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमने सेंटर का निशान लगाया था इस तरह से हम कर लेंगे बराबर, और फिर हम इसे काट लेंगे। ये हो गया हमारा, कटने के बाद ये हमारा 6.5 इंच का होगा। उसके बाद पल्ला को भी हम राउंड कर लेंगे। पल्ला राउंड करने के लिए हम यहाँ से करीब नीचे 5 इंच के लगभग रहेंगे और फिर हम इसे राउंड करेंगे। यह हमारा पल्ला भी राउंड हो चुका है, ये इस तरह का रहेगा। उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट का पल्ला है हम इसे लेंगे। इसके लिए हम कपड़ा लेंगे 15 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़ा, ये एक पीस लेंगे। और एक कपड़ा लेंगे, इसका साइज होगा 15 इंच लंबा और 9.5 इंच चौड़ा। इसमें हम इस तरह का प्रिंट करवा लेंगे। उसके बाद फिर हम इसे सिलाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।